वो नहीं होगा ना, रामदास रामदेव जी ने जो बात बोली है संसद में, जिस तरीके से वो SST एम्बुलेंस के लिए और पूरे SST समाज के लिए जो मांग उठाते हैं, मैं सोचता हूँ कि शायद प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो SC का हो या SC का हो, अपने समाज के लोगों की बात को निश्चित रूप से संसद में उठाता है, सरकार में उठाता है। और एक खूबसूरती जो मुझे इस एसोसिएशन में लगी, क्योंकि रोज लगभग महीने में 10 एसोसिएशन ऐसे लोग मिलते हैं, 10-20 लोग मिलते हैं जो विभिन्न तरह की एसोसिएशन बनाते हैं, वो लगभग लगभग बहुत ही संकुचित दायरे की होती है। लेकिन जो आपके एसोसिएशन है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहला एसोसिएशन ऐसा होगा जिसमें SC और SC दोनों मिलकर एक साथ अपने देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि जब हम और चीज देखते हैं तो छोटे छोटे ग्रुप हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, इसलिए उनकी आवाज पहुंच जाती है। यहाँ पर दोनों समुदाय एक साथ होकर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेद के एक साथ हो जाते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में 3 लाख से ज्यादा, लगभग 3.5 लाख लोग रिपोर्टेड आ सकता है, 3.5 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे यहाँ संसदीय क्षेत्र राजस्थान के करौली गौरतलब के करौली कहीं भी जाऊँ, मेरे यहाँ के रेलवे में कोई ना कोई अधिकारी कोई विकल्प मिल जा रहा है, मैं उन सबको विशेष तौर से बधाई देता हूँ जो मेरे संसदीय क्षेत्र करौली और गौरतलब से हैं और हिंदुस्तान के रेलवे के माध्यम से विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं उनको तो विशेष विश्वास और आकर्षण दे रहा हूँ, तो उनके लिए तो हमेशा सुरपुर में उनका सांसद होने के नाते मैं हमेशा हूँ ही, उनका तो परिवार का हिस्सा हूँ मैं, उनका तो विशेष मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपके लिए भी, पूरे देश के लिए भी, आप रिजल एसोसिएशन की जो आपने मेमोरेंडम हमें दिया है, इस मेमोरेंडम को भी जहाँ भी उचित माध्यम होगा, चाहे वो हमारी सरकार के सामने कहेंगे हो, माननीय रेल मंत्री जी के सामने हो, इसको विधिवत तरीके से, बहुत प्रभावशाली तरीके से मैं सांसद के नाते इसको जिम्मेदारी को वो आपके सामने रखूंगा। दोस्तों एक चीज जरूर आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, जब जब संविधान की बात आती है, राजनीति की बात आती है, राजनीति तो मुझे लगता है कि चाय की थाली जब होती है, पानी की दुकान पर होती है, बर्तन की दुकान पर होती है, और हर घर गली मोहल्ले में कोई ना कोई राजनीति की बात करती है। और जब से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ पार्टियों को ऐसा हो गया कि संविधान समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी भी आपके सामने हमारे एक मंत्री जो कि समाज कल्याण मंत्री मोदी सरकार के, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, इस चीज को आप लोग भी कम से कम समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक भी मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी शक्ति है जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, और अगर कर सकती है तो कोई भी ऐसा सांसद नहीं होगा जो उसको बर्दाश्त करेगा। इसलिए इस चीज को मुझे लगता है हमको बहुत दिल से बैठा लेना चाहिए, क्योंकि कुछ पार्टियां फिर से काम करती नहीं है, नेगेटिव प्रचार करके अपने आप को अपने जगह बनाना चाहती है। इसलिए इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। अभी अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण दिया EWS के लिए, तो SC ST एम्प्लॉइज का या SC ST वर्कर आरक्षण छेड़े बिना उन्होंने अतिरिक्त व्यवस्था की थी ना कि SC ST का छेड़ा था। और जब हमारे भी व्यक्तिगत कभी चर्चा होती है तो उनकी बातचीत से और उनकी भावनाओं से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में तो सारे ही हम लोग SC ST जा रहे हैं, और जब बात करते हैं तो उनको बिल्कुल ये रहता है कि मीडिया में फालतू बातें होती है, कुछ पार्टी में फालतू बातें होता है, अफवाह जाती है, इन अफवाहों को समाप्त करना है। जब तक नरेंद्र मोदी है, जब तक भारत के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ संभव ही नहीं है, ये शर्त उनकी अपनी भावना की है। इसलिए हमको इस चीज की भावना को कहने की, समाज के कुछ तत्वों में लोग उठाते हैं, उसको दूर करने की मैं आज तक प्रार्थना करता हूँ कि इसको दूर करने का प्रयत्न करें, क्योंकि इससे असुरक्षा पैदा होती है। और जहां तक निजीकरण की बात है, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि निजीकरण चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, रेलवे में हो या किसी और क्षेत्र में हो, उससे जरूर आरक्षण प्रभावित होता है। और उसके लिए हमने संसद के अंदर भी इस चीज की पुरजोर मांग की, आगे भी लगातार हम करते रहेंगे कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भी जो आपका रिजर्वेशन किसी भी कारण से हमारा समाप्त होता है, वो बराबर रूप से मिलता है, उसमें कोई भी कटौती नहीं होती है, इस चीज के लिए हम बराबर कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी ताकत अगर है तो आप
आपके अपने अंदर है कि आपकी अपनी शक्ति एकजुट होगी। अगर आपके अंदर विश्वास एकजुट होगा तो मुझे दुनिया की कोई ताकत आपके हाथ को अपने हाथ को रोक नहीं सकती। ये सबसे बड़ी शक्ति है। और बंद मोती लाटी जो काटती तो आज जिस तरीके से और एक बंद मोती की तरह काम कर रही है। एससी एसटी दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। कोई रहेगा कमाना नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं, सब बराबर मिलकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतना बड़ा एसोसिएशन और इतनी बड़ी भावनाएं जब एक साथ जुड़ी हो तो हमारे हितों को कोई भी छेड़ सकता है। इसलिए आप लोग निश्चित रहिए, एक सांसद के रूप में जब जब आपके हितों की बात की आवश्यकता होगी, संसद के रूप सांसद के अंदर बहुत प्रभावशाली तरीके से जिसको मैं भी बहुत जिम्मेदारी से उठाऊंगा। आप हमने जिस तरीके से यहाँ बहुत मान सम्मान किया, बहुत स्वागत किया पूरे एसोसिएशन को और यहाँ मेरे सभी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।